इतनी कि कोई प्यारी लुक लग रही है ना, मैं कहती हूँ लेवल हो गया। ये थी ये स्लीव्स। मैं इतने सारे कपड़ों का मैं क्या करूँगी, सोचती हूँ सेल कर दूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन नहीं, मैं गिव अवे करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे, और ये है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए कि आप हेयर केयर क्या करती है यार। मैं कुछ नहीं करती, नॉर्मल शैम्पू यूज़ करती हूँ, सनसिल्क का या शैम्पू यूज़ करती हूँ, फिर बाद में कंडीशनर। और ये जो मेरे बालों की लुक है, ठीक है, ये बिल्कुल रफ लुक है। मैंने ना हल्के से ना गीले बाल थे ना, जब लास्ट था गंगा करके जुड़ा बना लिया था पीछे से, बस जुड़ा जब ड्राई कर लिया, जुड़े को मैंने पंखे के आगे ड्राई करना है, तो बस मैंने खोल लिए, तो ये ऐसा ये लुक आया है उनका। यार वैसे भी ना स्ट्रेट कर करके ना मती लग जाती बालों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आयरन को मैंने हाथ ही नहीं लगाया करना। इस ड्रेस की ट्राउज़र की कटिंग मैं बता चुकी थी आपको, ठीक है। अब आते हैं शर्ट की तरफ। तो ये है ट्राउज़र का सीन, ये था, मैंने सिंपल प्लेन रखा था क्योंकि ऑल ओवर में है। इसकी जो शॉल है बहुत वो ना, एक तो मरीना की है, ऊपर से इतनी बड़ी है, तो मैंने ना शर्ट की लेंथ भी नॉर्मल रखनी है ना, तो यार या तो लंबी लंबी आप कमीज़ें पहन लो, या तो लंबे लंबे दुपट्टे ले लो। एक काम मुझसे तो एक काम होता है, या तो मैं लंबा दुपट्टा ले लूँ, या तो मैं लंबी कमीज़ पहन लूँ भाई। तो अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है, चलें। जी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और शर्ट को कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करते हैं कमेंट्स में, ठीक है, उन सब के आंसर्स इस वीडियो में ही होते हैं। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, आप लोग नीचे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं एक एक को मैं कैसे डिटेल में बताऊँ। तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, आप लोगों के आंसर्स सारे इस वीडियो में ही होते हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। शर्ट को आपने इस तरह फोल्ड करके ना रख लेना है, चारों साइड्स का, फोर साइड्स आपने लेनी है, ठीक है। शर्ट मैं यही लेती हूँ हमेशा, इस शर्ट की लेंथ है ना वो छोटी थी, तो मैं 47 तैयार रखूँगी, 47 लेंथ होगी नॉर्मल लेंथ, ठीक है। और ऊपर से निशान लगा के आपने अलग कर लेना है कपड़ा, और आपने इसके फ्लावर्स देख लेने हैं, मुँह एक तरफ ही जाएँ, ठीक है। ये सारा मैं कटिंग कर दूँगी, मैंने इसको पलट के रख लिया था। अब आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। शोल्डर मैंने 14 तैयार रखना है, तो 7.5 रखेंगे, 7.5 की हमने कटिंग करनी है, ठीक है, 7.5 7.5। और जितना आपका अंडर आर्म होगा, मैंने यहाँ 8.5 का निशान लगाया, गुलाई आएगी 9 तक तो तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ से आपने गुलाई देनी है आप, ठीक है। इस गुलाई के बाद आपने ऊपर से ऐसी शेप देनी है शोल्डर की, ठीक है। चेस्ट आपने अपनी देख लेनी है, यहाँ आपने चेस्ट का निशान लगा देना है, आपने अपनी हिप देखनी है, हिप पे निशान लगा देना है, और चेस्ट से स्ट्रेट मैं हिप तक ले आऊँगी, मैंने वेस्ट की कोई इसकी फिटिंग नहीं दी, ठीक है। और अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने से पहले आपने सोचना है कि आपने सारे निशान सही लगाए ना, फिर कटिंग कर रही हूँ ना, कैंची चलाने से पहले आप एक दफ़ा सोच लिया करें कि क्या मैं काटने लगी हूँ, निशानात सही लगे हुए हैं। ऊपर से ये शोल्डर की कटिंग देंगे, 1/2 इंच की आपने कटिंग देनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने 1 इंच का छोड़ के कटिंग कर लेना है, स्ट्रेट ले जाना है, क्योंकि मुझे पॉकेट लगानी है, पॉकेट में कोई वेस्ट की शेप नहीं देते थी। जितना आपने हिप रखना है उससे 1 इंच बढ़ा के आपने नीचे का बॉटम रखना है। मेरा जो बॉटम था ना शर्ट का 25 तैयार था, तो इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड आपने साइड पे करके फ्रंट की कटिंग करनी है, ऐसा ना हो कि भाई दोनों की कटिंग एक साथ ही हो जाए। तो 1/2 इंच का आपने देना है गैप, निशान लगा के ऐसे कटिंग कर लेना है। और गहराई की जो कटिंग करनी है फ्रंट की, उसकी आपने ऊपर से भी करनी है, ठीक है, 1/2 इंच की जितने मैंने दी है ये, ठीक है। अब ये हो गई हमारी कटिंग, ये फ्रंट और ये बैक। निशान आपने ना सारे एक साथ लगा लेने हैं, ठीक है, इस तरह टाइम की बहुत बचत होती है, वरना सीते वक्त लगाओ तो बहुत गुस्सा आता है, कभी इंच टेप नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी चौक नहीं मिलता, और ज़्यादातर चीज़ें इसी टाइम पे गुम होती हैं। और सबसे पहले हम करेंगे नेकलाइन तैयार इसकी, और नेकलाइन तैयार करने के लिए फ्यूजिंग लेंगे हम, 16 से 17 इंच की लंबाई ले लेंगे, इस तरह आपने कपड़े पर चिपकानी है, शर्ट पर चिपका लेनी है, ठीक है।
इसकी हम पाइपिंग देंगे पूरी। पेंसिल से आपने निशान लगा लेना जिस तरह मैंने लगाया हुआ है। तो इतना ब्लैक कपड़ा मुझे चाहिए पाइपिंग में, ठीक है। नीचे वाली साइड पे आपने कपड़ा रख के एक पाँव की सिलाई लगा देनी है, एक बूट की जिसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपने पूरी सिलाई लगा के नीचे चकोर बनाना है आपने इस तरह, और एक बूट की आपने पूरी ले जानी है नीचे तक। ये देखें इस तरह आप कटिंग आपने इस तरह करना है, कटिंग करके आपने वी शेप देना है, ठीक है। और इसका चोरस बहुत अच्छा बनता है नीचे से। तो इन सब बॉर्डर्स में से मुझे ये अच्छा लगा, ये वाला बॉर्डर। मैंने कहा आधा इंच लगा लूँ फ्रंट पे पट्टी बना के तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह मैंने आधा आधा इंच अंदर से फोल्ड कर दिया था और फिर इस तरह किनारे की सिलाई लगा दी मैंने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ गले पे। वी शेप देंगे तो चोरस बनेगा, ठीक है। उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें आप, इजी वे है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से आप नीचे, जाहिर है 16 इंच का आपने ओपन रखा है पाइपिंग लगाने के लिए, खुला थोड़ी छोड़ेंगे। नीचे वाली साइड पे आपने कपड़ा लेके इसको बंद करना है। ऊपर से आप 7 इंच छोड़ लिएगा, 7 इंच से आपने सिलाई शुरू करनी है। ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा, यहाँ से आप पक्का कर लें। ये जो खुला आपने रहने दिया है मैंने, ठीक है, ये आपने 7 इंच का करना है खुला, ताकि आपका गला आसानी से चढ़ सके। इसकी गुलाई देंगे, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। बैन लगाना है मुझे, शेरवानी कॉलर जिसको कहते हैं। इसकी गुलाई देंगे 2.5 इंच की मैंने दी है चौड़ाई और लंबाई, और ऐसे आपने गुलाई दे लेनी है इसकी। ये देखें, वीडियो को बिल्कुल आपने ऐसे फॉलो करना है। बहुत बहुत अच्छी ये शर्ट स्टिच हुई है, लेवल हो गया था, बहुत मज़े का। तो आपने बैक साइड लेनी है, बैक साइड पे फ्रंट शर्ट रखनी है आपने, और इसकी आधी इंच की आपने कटिंग देनी है पीछे वाली साइड से। शोल्डर्स जोड़ लेने हैं आपने, ठीक है। मैं तो सबसे एंड पे शेरवानी कॉलर लगाना बताऊंगी आपको पूरी शर्ट स्टिच करने के बाद। ये कुछ इस शेप के मैंने ये कपड़े काट लिए थे, जो कि मुझे ये शेप देनी थी पॉकेट पर, ठीक है, पॉकेट के लिए। यह आपने इक्वल रखना है। मैं बस आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने ये कपड़ा किस तरह अटैच करना है। बाकी पॉकेट लगाने का पूरा प्रोसीजर मैंने दूसरी वीडियो में, इससे पहले 3-4 वीडियो पहले सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में पॉकेट लगाने का तरीका, ठीक है। वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, लिंक डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ईजी है पॉकेट लगाना। पॉकेट ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा अजाब है भाई, लेकिन कुछ भी अजाब नहीं है, बहुत आसान है लगाना। बस ये है कि ये आपको मैं डिज़ाइन बता रही हूँ किस तरह आपने अटैच करना है। पिने लगा के आपने सारी इस तरह इसको पक्का कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये हो गई थी तकरीबन शर्ट 80% रेडी। कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि ये मैंने सिया है। बहुत खुशी होती है कि डिफरेंट से डिफरेंट स्टाइल डिज़ाइन खुद स्टिच करके पहन लेती हूँ। किसी की ना मोहताजी है, ना कोई तरले मिन्नत है, ठीक है। पॉकेट की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल रही हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा, वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। मैंने कटिंग दे ली थी स्लीव्स की, तो नीचे से थोड़ी चुन दे के मैं लगाऊंगी कफ। इस कपड़े का इस्तेमाल करूँगी सिर्फ इस बॉर्डर का, ठीक है। तो इस बॉर्डर पे हम पूरी फ्यूजिंग लगा लेंगे। 0 साइज़ की आपने फ्यूजिंग लगानी है, ज़्यादा मोटी वाली नहीं लगाएगा, वरना बहुत बुरा लगेगा कफ ना, कड़क कड़क सा। तो इस तरह आपने पूरी फ्यूजिंग लगा के इसको डबल कर लेना है। 9 इंच का कफ तैयार रखने के लिए 10 इंच की हम कटिंग देंगे, आधा इंच इस साइड से आधा इंच उस साइड से सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच तैयार रह जाएगा। इसी तरह ही हम दूसरा काट लेंगे कफ, ठीक है। दोनों सेम कटिंग हो चुकी है, तो फिर अब ये है कि इस तरह की शेप देंगे, इसको फोल्ड करेंगे। अब दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह। ये देखें, इस तरह आपने सिलाई लगा के इसको पलट लेना है, बिल्कुल इस तरह ही पलटना है, और बड़ी अच्छी नोक बनती है। ये दोनों हो गए थे कफ तैयार, और अब
इस तरह इसको अंदर की तरफ कर देना। एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा कफ रेडी होने के बाद हम आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। मैंने इसके जो कटिंग दी थी उसके बाद आपने यहाँ से सिलाई लगानी है, ठीक है, और नीचे से 2 इंच का छोड़ना है, ठीक है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच आपका ओपन रहेगा, ठीक है। ये ऐसे निशान लगा लिएगा दोनों पे, यहाँ आके लाके आपने सिलाई रोकनी है। और ये आपने इस तरह चाक बनते हैं, इस तरह साइड से ये कर लेना है आपने, ठीक है, प्रॉपर। और इसका दरमियान आपने देख लेना है, यहाँ आपने कट लगा लेना है, ठीक है। आस्तीन पे भी कट लगा लेना है आपने, और ये कफ होंगे यहाँ का भी आपने दरमियान आपने देख लेना, ठीक है। इसके दरमियान पे और जो आपने कट लगाया होगा ना, इन दोनों को मैच करके यहाँ आपने सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो आपने कफ ऐसे लगाना है, स्टार्ट दे के आपने ये जो मैंने निशान लगाया था कफ पे और आस्तीन के हाफ पे, उन दोनों को मैच करना है और बीच में प्लेट्स दे देनी है दोनों साइड पे आपने, ठीक है। तो ये हमारा लग गया था कफ, इस तरह आपने एंडिंग देनी है इसको अंदर करके किसी भी नोकीली चीज़ से। तो एक सिलाई से ये कफ लगेगा। ये आस्तीनें जब तैयार हो गई थी, इसके बाद आ जाते हैं हम गले पे, ठीक है। ये जो कॉलर है शेरवानी कॉलर, इसको हम कटिंग करने के लिए यहाँ से इसकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने खोल के यहाँ से देख लेना है, 8 इंच आ रहा है तो हम 2 पॉइंट कम रखेंगे 8 इंच से। प्रेस बुकरम आपने बिल्कुल सीधी रखनी है नीचे से, इसको डबल कर लेना आपने, ठीक है, नीचे से स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे आपने 8 इंच पे निशान लगाना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है आपने, ठीक है। और 3 इंच छोड़ना है यहाँ से, 3 इंच के बाद से आपने यहाँ से गुलाई देनी है ऊपर तक, 1.5 इंच तक देनी है गुलाई। ये देखें बिल्कुल ऐसे आप स्टिच करेंगे, बहुत प्यारा ही शेरवानी कॉलर स्टिच होगा। और ये पौना एक मतलब एक से कम पूरा निशान लगा लेना है, ऐसे ही सीध में इसकी ही गुलाई में आपने सारे निशानात को लेकर जाना है। सारी मेजरमेंट हो गई थी कंप्लीट, अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ख्याल से कटिंग करना है आपने, अब इसको सेट करके देखना है आपने कि पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ज़रा सी एक एक दो दो पॉइंट की कटिंग कर लिएगा। और अब आपको ना इसको ख़ुद एडजस्ट करना है। इस शेरवानी कॉलर को आपने फैब्रिक पे लगा लेना है, ये कपड़ा वो है जो मैंने आगे गले पे पट्टी लगाई है, ठीक है। इस पे लगा के आपने इसको फोल्ड कर लेना है, आधा इंच की कटिंग देके ना इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है, इस तरह इसको डबल करके यहाँ पे, और ये ऐसे सिलाई कर लेनी है। इसको ऐसे स्टिच करके आपने अंदर का जो कपड़ा होगा वो काट के, ठीक है, अंदर कट कुट लगा लेने हैं ताकि अच्छी सी गुलाई बन जाए यहाँ पे ना। और इसको आपने ऐसे फोल्ड कर देना है, बहुत अच्छी सी नोके निकलेंगी इसकी ना। इस तरह फोल्ड करके आपने 1/2 इंच के गैप से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसका दरमियान लेना है बैन का, इसको बैन भी कहते हैं, शेरवानी कॉलर भी कहते हैं इसको। इसका दरमियान लेना है बैन का आपने, और शर्ट का दरमियान लेना है आपने ना, और ऐसे लगाना है। ये सीधी साइड है, उल्टी साइड पर रख के आपने देखें इस तरह लगाना है आपने। यहाँ आपने लगानी है सिलाई, स्टार्ट से आपने पक्का करके पूरा इसको ऐसे एक सिलाई से आपने घुमा देना है, ठीक है। बस आपने ना इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना बैक साइड पे जो मैंने कट लगवाया था और बैन पे जो मैंने कट लगवाया था वो मैच होने चाहिए दोनों ना। इस तरह ये सिलाई करने के बाद आपने इसको अंदर कर देना है इस साइड पे जहाँ सिलाई लगाई होगी, और यहाँ पर आपने एक सिलाई से आपने इसको अटैच कर लेना है, सिर्फ यहाँ पर देनी है आपने सिलाई पूरी लंबाई से। सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, सिलाई नज़र ना आए। आप ये जो सिलाई लगा रहे हैं ना नीचे भी जो अटैच किया है आपने ये कॉलर उसके ऊपर, तो
तो ये हमारी हो गई थी शर्ट रेडी। और नॉर्मली जो चौक तैयार होते हैं साइडों से वो मैंने तैयार कर लिए थे। चलें जी अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताती हूँ। इस सूट को मैं सी सी के अक गई, देख देख के थक गई। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं कि इस शर्ट की डिटेल मैंने क्या की है। बड़ा ही मज़े का स्टिच हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कफ की तरफ। कफ ये है कि काज आपने नहीं करवाना, ठीक है। ये मैंने कुछ प्लेट्स डालनी थी कफ में, ठीक है। और ये पॉकेट बनाई थी, पॉकेट में मैंने एक टसल लगा लिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने दो ही परचेज़ किए थे, वो इसलिए क्योंकि दो ही थे दुकान वाले के पास। चलें जी अब आ जाते हैं गले की तरफ। नेकलाइन का ये है कि सबसे पहले मैंने लगाया था टसल, मतलब टसल नहीं पल, ठीक है। बाद में रेड बटन, ग्रीन और फिर ऑरेंज, जो कि हर दुकान से, छोटी मोटी दुकान से मिल जाता है इजीली, बनवाना चाहें तो बन भी जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये लूज़ पेंट ट्राउज़र है, ठीक है। बहुत ही मज़े का स्टिच हुआ है। लॉन्ग में मैंने थोड़ा सा स्टिच किया है, 47 लेंथ थी इसकी ना ट्राउज़र की। तो ये आ जाती है शॉल। शॉल की मैंने कोई पिको शिको नहीं करवाई। मैंने कहा कि जब फ़ाइनल पहनूंगी मैं कहीं जाने के लिए, तो टाइम इतना नहीं था मेरा, तो अब वीडियो अपलोड करनी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा बाद में कर लूँगी। छोटी सी मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँ, 47 इसकी लेंथ है, ठीक है। ये जो मैंने पट्टी लगाई थी 15 इंच की है, इसका बॉटम 25 इंच का है, पॉकेट है ये, और साइड की जो सिलाई थी ये 13 इंच की थी। 9 इंच अंडर आर्म, अंडर होल जो भी कह लें, 21 इंच की फुल स्लीव्स थी, उसके अंदर ही आपने ये कफ रखना है, 21 तैयार, ठीक है। अपनी कलाई के हिसाब से मतलब देख लीजिएगा कितना है, ठीक है, ओके। और ये है कि ट्राउज़र है, ट्राउज़र की लेंथ 47, 9 इंचेस का इसका बॉटम, और ये थाइस 15 बस। चले अब मैं इसको पहन के दिखा देती हूँ, ठीक है। इतनी की कोई प्यारी लुक लग रही है ना, मैं कहती हूँ लेवल हो गया। ये थी, ये स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं, थोड़े से नीचे चुन डाल के, ऊपर मैंने नहीं चुन रखे, ठीक है, सिर्फ नीचे हैं, और कफ लगा दिया है। ये है इसकी पॉकेट ट्रायंगल शेप में, और ये मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी टाइम बाद ये गला सिया है, शेरवानी कॉलर। सारे कपड़ों का मैं क्या करूंगी, सोचती हूँ सेल कर दूं इंस्टाग्राम पे, लेकिन नहीं, मैं गिव अवे करूंगी। ये जो मेरे सारे जितने भी ड्रेसेस हैं इनमें से दो या तीन मैं गिव अवे करूंगी। जल्दी जल्दी से आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं कभी भी पोस्ट अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, और ताकि आपको मेरे गिफ्ट आप तक गिव अवे में पहुँच सकें। और डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक ऐड कर दूंगी अपने इंस्टा का। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।